स्टार्ट। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करते हैं आपकी मैथ्स की, जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन। हमने एडिशन सीखा, एडिशन विद कैरी सीखा, अब हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्ट्रैक्शन 2 4 5 4 2 फ्रॉम 6 9 8 7 6। हर डिजिट को पहले पर्टिकुलर एक डिजिट फॉर्म में पढ़ो, फिर उसको कंबाइंड डिजिट में पढ़ोगे तो आपको इजी रहेगा, और उसके साथ उसे प्लेस वैल्यू के साथ पढ़ो, जैसे 1s 10s 100 1000 10000, अगेन 1s 10s 100 1000 10000, तो देखो 24542 एंड 6। अब इसके बीच में देखो एंड नहीं है, फ्रॉम है, तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है, इसके द्वारा इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो फ्रॉम लगा होगा तो हमें ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट डिजिट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है 6 9 8 7 6 एंड 2 4 5 4 2। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो 6 में से 2 गए तो 1 2 3 4 5 6, इसमें से 2 गए तो कितने बचे, 1 2 3 4, तो यहाँ कितना आ गया 4। वैसे आप ऐसे ना करके अपने फिंगर्स पे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 7 में से 4 गए तो 3, 8 में से 5 गए तो 3, 9 में से 4 गए तो 5 एंड 6 में से 2 गए तो 4। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ 9 में से 6 गए तो 3, 5 में से 3 गए तो 2, 8 में से 5 गए तो 3, 6 में से 2 गए तो 4 एंड 5 में से 1 गए तो 4। ये दोनों आपके एग्जांपल्स हैं, इन दोनों में आपको सब्ट्रैक्शन में बताया था, अगर डाउट हो तो आप उससे पूछना। इसके साथ साथ आपके सामने नीचे के 4 क्वेश्चंस लिख रहे हैं, ये आपके एक्सरसाइज 5.1 के ABCD है, जिन्हें आपको आज के 4 क्वेश्चंस को भी मुझे करके दिखाना है। ये एक्सरसाइज 5.1 के ABCD है, इन 4 क्वेश्चंस को ही करना है, बाकी क्वेश्चंस को नहीं करना, और इन क्वेश्चंस को आपको मैंने 4 क्वेश्चन इसलिए दिए कि आपको पहले इन्हें बुक में करना है और फिर इन्हें नोटबुक में करना है, ठीक है। तो अगर आप बताओ सब्ट्रैक्शन में दोनों डिजिट्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो